नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ नीता जोशी। मंडाना टोल पर देर शाम कोटा की तरफ से आ रहा भारत पेट्रोलियम का टैंक कार को बचाने के चक्कर में टोल डिवाइडर से तेज रफ्तार से टकरा गया, जिसे मौके पर ही टैंकर के आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और पीछे टैंकर में भरा डीजल का टैंक भी फूट गया। हादसा भयानक था कि मौके पर डीजल टैंकर का आगे का हिस्सा पूरी तरह से खत्म होकर बिखर गया। टैंक से डीजल बहने से नेशनल हाईवे टोल प्लाजा मंडाना 4 लेन पर डीजल फैल गया। टोल कर्मियों ने मौके पर मंडाना पुलिस और कोटा सूचना कंट्रोल को सूचना दी, जिससे सूचना से मंडाना पुलिस थाना अधिकारी कल्याण सिंह ने उच्च अधिकारियों को सूचना देकर मंडाना क्षेत्र 4 लेन की सभी रोड लाइनों को सील कर दिया। मौके पर कुछ देर बाद ही कोटा से DYSP नेत्रपाल सिंह भी मौके पर पहुंचे। मंडाना टोल प्लाजा से दोनों तरफ आवागमन पर 2 किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। अग्निशमन से सूचना के कुछ देर बाद कोटा से मंडाना टोल प्लाजा के 3 दमकल रवाना हुई और क्षेत्र के हिंदुस्तान पेट्रोलियम गैस प्लांट पर गोयल प्रोटीन लिमिटेड से पानी के टैंकर, गैस सिलेंडर और 4 JCB क्रेन के द्वारा डीजल टैंकर को सुरक्षित वहां से हटाया गया। संवाददाता राजेंद्र मेघवाल की रिपोर्ट। आज शाम करीब 5:30 बजे के करीब एक डीजल का टैंकर जो कि कोटा साइड से स्पीड में आ रहा था और ड्राइवर शायद दारू के नशे में था, तो उसने सीधा आके अपने जो टोल का डिवाइडर है उसमें सीधा उसने ठोका, जिसकी वजह से ड्राइवर और जो खल्लासी घायल हो गए और तत्काल हमारे जो कर्मचारी हैं उन्होंने उनको निकाला और तत्काल जो टोल की एम्बुलेंस है उसे सीधा उनको कोटा हॉस्पिटल भेज दिया। बाकी का प्रशासन को इन्फॉर्म किया, जिससे थाने की गाड़ी भी आ गई और ये अपना फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ गई और जो अपना प्रयास कर रहे हैं इसको हटाने का, जिससे ये अपना ट्रैफिक है स्मूथ चालू। नाम बताया? मैं अजीत सिंह, प्रोजेक्ट मैनेजर मंडाना टोल। आज इस तरह का जो आज हुआ मंडाना टोल प्लाजा पर, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? भाई, 1.5 घंटे पहले की बात है, ये भारत पेट्रोलियम का टैंकर है जो RJ 27 नंबर का था, वो चालक लेके जा रहा होगा तो या तो उसका बैलेंस बिगड़ गया, जो भी रीजन रहा होगा, तो वो टोल की जो दीवार से टकराने के कारण वो भी दोनों घायल हो गए। उसके बाद ये गाड़ी का डैमेज होगी, तो इसमें से डीजल का रिसाव हो रहा था, इस स्थान पर सारे पहुंचे हम, तो इसमें फायर ब्रिगेड वगैरह मंगा लिए और हाइड्रा से इसको ऐसे हटा के साइड में करवा रहे और भारत पेट्रोलियम के अधिकारी को बताया जा चुका, ताकि वो जो बचा हुआ 3 पार्ट का होता है, 1 पार्ट खाली हो गया, 3 पार्ट का जो है को यहाँ से शिफ्ट करते ताकि आगे दुर्घटना नहीं हो। रास्ता जाम होता है, उसके एक लाइन तो क्लियर करा दिए, दूसरा भी 5-7 मिनट में इसको क्लियर करा दें। सर, ये सूचना पर आपने एक मतलब कहाँ तक मौका सील किया इस क्षेत्र को? ये क्या है ना, आज को डाइवर्जन भी करवाया, बिल्कुल इस दरा की तरफ बताया, उधर अनंतपुरा की तरफ बताया।